नमस्कार। एक और शानदार वीडियो में दोस्तों, एक और स्टाफ नर्स की वैकेंसी का रिक्रूटमेंट यहाँ पे जारी हो चुकी है। वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे 2000 के समथिंग निकाली गई है। बहुत बड़ी भर्ती यहाँ पे निकल चुकी है, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं। शानदार वैकेंसी रहने वाली है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, वैकेंसी निकाली गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से। डेट है 6/7/2023, संविदा नर्स भर्ती 2023। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन अब उसके बैक टू बैक यहाँ पे विज्ञापन संख्या देख सकते हैं और संविदा नर्स भर्ती है वो निकाली गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, संविदा नर्स के 1400 और अनुसूचित क्षेत्र के 188, टोटल मिला के 1588 पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र यहाँ पे मांगे गए हैं। तो वैकेंसी है दोस्तों वो संविदा पे रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आप लोगों को किस प्रकार से करना है वो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले आप लोगों को अपनी एसएससी जो आईडी होती है वो आप लोगों को बनवानी होगी। अगर नहीं बनवाई है और पहले से बनी हुई है तो उसके माध्यम से आप लोगों को लिंक ओपन करके अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर देना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आवेदन एवं शुल्क परीक्षा शुल्क है वो कितना है, तो यहाँ पे 600 रुपये है सामान्य वर्ग के लिए, और उसके बाद नॉन क्रीमी लेयर के लिए 400 और समस्त दिव्यांगजन के लिए 400 यहाँ पे फॉर्म फीस रखी गई है। फॉर्म फीस जमा होने के बाद आपको नहीं लौटाई जाएगी। यहाँ पे कैटेगरी वाइज है वो पोस्ट डिवाइडेड की गई है, जो आप लोग आसान से देख सकते हैं। इसका PDF है, बहुत ही लेंथी PDF है, हिंदी में है पूरा, आप लोग समझ सकते हैं। इसको मैं CHO अकेडमी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल रिप्लाई दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम नीचे कोशिश करते हैं जानने की किस वैकेंसी से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो यहाँ पे क्या रहने वाली है। अभ्यर्थियों के लिए कुछ दिशा निर्देश है, उसके नीचे है वेतनमान। तो आप लोगों को जो सैलरी है दोस्तों वो 18,900 रुपये प्रति महीने के हिसाब से यहाँ पे मिलने वाली है। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता है GNM वाले कैंडिडेट इस वैकेंसी को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट। रजिस्ट्रेशन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का होना आपके पास जरूरी है। उसके बाद है शैक्षणिक योग्यता, आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व तक अर्जित करना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति अपात्र होंगे। इसको लेकर यहाँ पे कुछ नीचे कंडीशन है वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीयता के बारे में है, आयु के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि कितने आयु के कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। विवाह पंजीकरण है, उससे रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करना होगा। परीक्षा शुल्क जमा कराने, ऑनलाइन आवेदन पत्र करने की जो अंतिम तिथि है वो 10 जुलाई 2023 से लेके 8 अगस्त 2023 तक आप लोग करवा सकते हैं, जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग और लास्ट डेट है। उसके बाद है परीक्षा आयोजन है, वो परीक्षा संभावित है वो 24 सितंबर यहाँ पे बताई गई है। उसके इससे पहले भी एक मैंने वीडियो डाला था, उसमें सितंबर अक्टूबर के समथिंग वेके ये एग्ज़ाम्स बताई गई थी संविदा वाली। प्रवेश पत्र है वो आप लोगों का हमारे वेब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। कंटिन्यू चैनल के साथ जुड़े रहिए। उसके बाद है नियुक्ति की योग्यताएँ क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ, आवेदन कैसे करें वो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि आप लोगों को आवेदन करना है और किस प्रकार से आवेदन है वो करना है। इसको लेकर मैं एक और अलग से वीडियो बना दूंगा। आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं वो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। जो इस वैकेंसी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ आसानी से। उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया है, उसके लिए भी आप लोगों को टाइम दिया जाएगा और उसके लिए निर्धारित शुल्क है वो भी आपसे लिया जाएगा 7 दिन के अंदर अंदर। 300 रुपये यहाँ पे इसमें बताया गया है। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान है। उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि है वो कब से कब तक होनी चाहिए। ये सारी बातें दोस्तों मैं डिटेल से आप लोगों को एक अलग से वीडियो में बनाकर डाल दूंगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं पूरा फॉर्म किस प्रकार से आप लोगों को भरना है। ये यहाँ पर बताया गया है कि संविदा नर्स भर्ती है उसकी जो परीक्षा है वो किस प्रकार से यहाँ पे लिया जाएगा। तो परीक्षा का जो आयोजन है वो ऑफलाइन होगा। परीक्षा का पेपर है वो 1 घंटे का होगा, 30 मिनट यानी 1.5 घंटे का होगा, 90 मिनट का।
पेपर है वो बहुविकल्पीय टाइप के रहेगा, प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, सभी प्रश्नों के अंक है वो समान होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। गलत जवाब दिए जाने पर आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, एक अंक काटा जाएगा, नकारात्मक एक अंक यानी कि 1/4 काटा जाएगा। प्रश्नों की जो संभावित संख्या है, ये पाठ्यक्रम है वो 55 रहेगा अपने सिलेबस से रिलेटेड। उसके बाद 15 नंबर है कि जितनी भी योजनाएँ हैं उससे रिलेटेड रहेगा, जीके से रिलेटेड। 5 नंबर है सामान्य ज्ञान, उसके बाद है समसामयिक घटनाएँ हैं, कंप्यूटर संबंधित विषय वस्तु 5 नंबर, और 15 नंबर का रहेगा सामान्य चिकित्सा से रिलेटेड। ऐसे मिला के टोटल 100 नंबर का आपका पेपर है वो रहने वाला है। उसके बाद है बोर्ड की वेबसाइट, यहाँ पे डाली हुई है, उस इस पर टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट करते रहना है, देखते रहना है। दोस्तों शानदार वैकेंसी है, जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं मैंने तारीख बताई है उसके हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही फॉर्म अप्लाई की डेट आ जाएगी आप लोगों को मैं यहाँ पे आसानी से बता दूंगा। बाकी कुछ भी रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक और शानदार वीडियो लेकर आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।